नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग माघ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय का रसपान करेंगे। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधिपूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौट गया और रनिवास में जाकर तपस्वी की ये सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्न को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रम की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत और उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि मुझे बतलाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दान तथा चंद्रयान और ब्रह्म कुर्चोव्रति आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाले पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास के सकाम या भगवान के नियमित नियम पूर्वक माघ मास का स्नान करता है, वो अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्य त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास के स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियम का पालन करते हैं और दूसरों के पुण्य के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाते हैं। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वो कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधराओं को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ऋषि,
भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विदा धराओं को उपदेश दिया था, सो मुझे बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण, सब प्रजा छीड़ होने के कारण संसार में बड़ी उन्नति फैल गई। हिमांचल और विद्यांचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्ति में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्य से रहित हो गया। तब विद्यांचल के नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमांचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरा होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्पिट होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपक की तरह चमकती हुई दिव्य औषधि से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों और केले के पत्तों की पताओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटियों से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायान था। इसकी कंदाओं में काम पीड़ित विधाधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, वह रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भाग में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृग के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता गुहाक और अप्सरा